कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, ऐसे में लोग घरों पर रहें और बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। जो भी जरूरत हो मुझे बताएं, मैं घर पहुंचाऊंगी सभी जरूरत की वस्तुएं, लेकिन लोग घरों में रहें। ग्राम पंचायत रेलू की प्रधान सीमा रानी अपने स्तर पर लाउडस्पीकर पर अपनी पंचायत के लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रही है। कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, ऐसे में लोग घरों पर रहें और बेवजह घरों से बाहर ना निकले। जो भी जरूरत हो मुझे बताएं, मैं घर पर पहुंचाऊंगी सभी जरूरत की वस्तुएं, लेकिन लोग घरों में रहें और सुरक्षित महसूस करें। ऐसे ही शब्द इन दिनों रेलू पंचायत में लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनने को मिल रहे हैं और स्वयं पंचायत प्रधान सीमा रानी ने अपने स्तर पर लोगों को वाहन की व्यवस्था कर उस पर लाउड स्पीकर लगाकर यह बीड़ा उठाया है। प्रधान सीमा रानी ने बताया कि उनकी ओर से जो भी हर संभव मदद को लोगों को मुहैया करवाई जाएगी। गांव में जो भी लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए और उनके परिवार सदस्यों के लिए निरंतर संपर्क स्थापित किया जा रहा है। यही नहीं, उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी हासिल करके उन्हें वो चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रधान ने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में हम सभी को दूसरे का सहारा बनना है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि कोरोना के खिलाफ हम सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी है। कोरोना के चैन तोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने आम जनता से कोरोना संक्रमित उनके परिवार सदस्यों के भेदभाव ना करके उनके सहयोग की अपील की है। सर, मैं तो अपने सारे पंचायत के मेंबरों के साथ टाइम टू टाइम उनका ख्याल रख रही हूँ और उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो रही है तो हम उनके घर में जाके सामान दे के आ रहे हैं उनको। जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है कि वो अनावश्यक तौर पे घरों से बाहर ना निकले? जैसे मुझे लगता है कि मेरे को स्पीकर द्वारा लोगों को जागरूक कर सकती हूँ, मेरे को लगता है कि मैं महिला मंडलों द्वारा भी लोगों को जागरूक कर सकती हूँ, युवा मंडलों के द्वारा भी लोगों को जागरूक कर सकती हूँ। जैसे जैसे मुझे लगता है मेरे जो टीम है पंचायत की, वो दिन रात मेहनत कर रही है, मैं उनके सहयोग के साथ आगे बढ़ रही हूँ। दिनचर्या ठीक रह रही है सर, क्योंकि मेरे जो पंचायत के मेरे उप प्रधान हैं और मेरे मेंबर हैं वो मेरे को पूरा टाइम दे पाते हैं। उनके सहयोग से मैं आगे जो वो अपना पूरा काम पूरे प्रॉपर तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि सहयोग ही बहुत जरूरी है। अभी देखा जाए तो रेलू पंचायत में कितने ऐसे मरीज हैं जो कोविड संक्रमित है? कोविड संक्रमित मेरे कोई 15 लोग हैं जी। तो मैक्सिमम होम आइसोलेशन में? हाँ जी, हाँ जी। तो उनके लिए किस तरह की मदद पंचायत की ओर से? जैसे उनको लगता है कि किसी के घर में दूध की जरूरत है या किसी सामान की जरूरत है, वो हमें फोन द्वारा सूचित करते हैं और हम उन्हें घर में जाके सामान दे के आते हैं। जिस तरह से अभी लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही है, लोग लापरवाही ना अपनाए, इसको लेके किस तरह के कदम पंचायत द्वारा उठाए जा रहे हैं? मैं दिन रात यही लोगों को